भारत में लो कॉस्ट वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कौन सा कर सकते हैं? तो वो है फॉक्स नट, मखाना, फूल मखाना। सबसे ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट होता है, भारत की मोनोपोली है इसमें, और उसमें भी कहां से खरीदना, कहां बेचना, कितने का खरीदना, कितने का बेचना, सारी डिटेल कैलकुलेशन आपके सामने लेके आऊंगा। बस ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ सर, धैर्य रखिए, वो भी बता रहा हूँ। क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है, लेकिन बता दीजिए। आइए मैं दिखाता हूँ इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूँ। आइए आइए मेरे साथ में, आइए इधर से दिखाइए। लो कॉस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। भारत में लो कॉस्ट वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कौन सा कर सकते हैं? तो वो है फॉक्स नट, मखाना, फूल मखाना। आप यहां से एक्सपोर्ट करो, और सबसे ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट होता है, भारत की मोनोपोली है इसमें, और उसमें भी बिहार की मोनोपोली है, और बिहार में भी वो सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट से जो मधुबनी के आसपास के, वहीं से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आप सस्ते बजट में या कम बजट में लो इन्वेस्टमेंट में कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो फॉक्स नट आप सेलेक्ट करिए। और इसके बारे में पूरा आपको बताने वाला हूं, कहां से खरीदना, कहां बेचना, कितने का खरीदना, कितने का बेचना, सारी डिटेल कैलकुलेशन आपके सामने लेके आऊंगा। बस ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सेन, इंटेंसिव बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट करें तो गवर्नमेंट कुछ आपको इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स देती है, क्योंकि आप डॉलर कमा के लाते हैं भारत में। So, भारत में जब आप डॉलर कमा के लाते हैं तो गवर्नमेंट के इंसेंटिव में आपको सबसे पहले पायदान पे मिलता है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। डीबीके आपको मिल रहा है यहां पे 0.15% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। जितना भी आपका कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू है उसका सीधा सीधा 0.15% आपको यहां पे डीबीके मिल रहा है। अगर मैं आईईएस की बात करूं, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम भी आपको 3% मिल रहा है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, और एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 0% मिल रहा है। अगर मैं आरओडीटीपी की बात करूं, यानी रोड टेप, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो रोड टेप आपको मिल रहा है यहां पे 0.5% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। जितना भी आपका एफओबी वैल्यू उसका सीधा सीधा 0.5% आपको मिलता है आरओडीटीपी रोड टेप। अगर मैं बात करूं कैसे 5 लाख रुपए कमाएंगे आप मखाने को एक्सपोर्ट करके, फूल मखाने को एक्सपोर्ट करके, फॉक्स नट को एक्सपोर्ट करके, ये कैलकुलेशन भी सुन लीजिए कि जब आप इंडिया से खरीदते, बिहार से खरीदते, तो आपको 800 रुपये से 900 रुपये या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपीज केजी अच्छी क्वालिटी का आपको मखाना मिल जाता है, फूल मखाना, फॉक्स नट। हम मान के चलते कि भाई 1000 रुपये केजी वाला आपने फूल मखाना खरीदा और 1 टन माल भी खरीद लिया, इसका 25 टन माल नहीं जाता, 1 टन, 2 टन, 3 टन ऐसे जाता है, और बाई एयर ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो 1 टन माल आपने खरीद लिया तो वो आपका 10 लाख रुपए का एलसीएल कार्गो रेडी हो जाता है। और 1 लाख रुपए हम हमेशा इसमें लिख लेते हैं जो हमारे चुटर मुटर खर्चे होते हैं, जैसे पैकेजिंग का खर्चा, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, सीएचसी का खर्चा, ये सारे जो खर्चे होते हैं वो ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए लिख लेते हैं, ताकि हम आपको कैलकुलेशन आसान भाषा में समझा सकें। अब इसमें गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे आरओडीटीपी मिलता है, रोड टेप या डीबीके मिलता है, तो टोटल बेनिफिट गवर्नमेंट के आपको 0.65% के मिल रहे हैं, यानी रुपीज में बताऊं, यस बता रहा हूं, रुकिए। सो आपको यहां के अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखूं तो 6,500 रुपए इस कैलकुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो मेरा फाइनल बाइंग प्राइस क्या हो गया सर? आपका फाइनल बाइंग प्राइस हो जाएगा 10 लाख रुपए जितने में आपने खरीदा, प्लस 1 लाख रुपए जो आपके खर्चे होने वाले, और माइनस 6,500 रुपीज इज इक्वल्स टू हो जाता है 10.93 लाख रुपीज। यानी अगर पर केजी की बात करें तो 1000 में खरीदा था और 93 रुपीज पर केजी आपको ये पड़ गया यहां पर आफ्टर ऑल कॉस्ट एंड एवरीथिंग। सो अभी 93 रुपीज का 93 रुपए का इसमें खर्चा आ जाता है। अब ये एक्सपोर्ट कितने में हो रहा है, इसका एफओबी प्राइस क्या है, जो हमारी टेक्निकल टीम घंटों रिसर्च करती है, बिहार में बात करती, दिल्ली में बात करती, ऑनलाइन वेबसाइट, पेड वेबसाइट, वोल्जा वेबसाइट सर्च करती, ताकि आपका टाइम सेव हो सके और घंटों की मेहनत की रिसर्च आपको कुछ मिनट्स में दे जा सके। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए #teamwork, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको हमारी मेहनत
पसंद आती है। सो यहाँ पे जो प्राइस निकला है, जो हमने निकाला है, जो इधर उधर से सर्च करके निकाला है, वो 1600 रुपए से 2000 रुपए केजी एफओबी जा रहा है। अगर वहां का लोकल प्राइस देखेंगे तो वो 5000-8000 रुपए केजी जा रहा है। लेकिन हम मिनिमम प्राइस भी लेके चलते हैं कि भाई 1600 रुपए केजी आपने बेचा, 1000 रुपए में खरीदा, मतलब 1100 रुपए के आसपास हुआ, 1093 1100 के आसपास हुआ, और 1600 रुपए में आपने बेच दिया, तो और एक टन माल ही था तो 16 लाख में चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ सर? धैर्य रखिए, वो भी बता रहा हूं, 16 लाख रुपए जितने में आपने बेचा, माइनस 10.93 लाख रुपीज जितने में आपने खरीदा था, इज इक्वल्स टू हो जाता है 5.06 लाख रुपीज। यानी हर कोई एक एवरेज एक्सपोर्टर भी 5 लाख रुपए हर महीने कमा सकता है मखाने को एक्सपोर्ट करके। अब कितनी डिमांड है इसमें, कहां करूं एक्सपोर्ट, वो टॉप 5 कंट्री बताता हूं जो सबसे ज्यादा खरीद रही है फूल मखाने को, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए ने लास्ट ईयर 8954 शिपमेंट्स खरीदे हैं फूल मखाने के, यानी फॉक्सनट के, एज पर वोल्या डाटा। कनाडा ने 3000 शिपमेंट खरीदे, ऑस्ट्रेलिया ने 2500 शिपमेंट खरीदे, यूके ने भी 1800 शिपमेंट खरीदे, यूएई ने भी, यूएई जिसको आप दुबई के नाम से जानते हैं ना, तो यूएई ने भी 1800 शिपमेंट खरीदे हैं लास्ट ईयर फूल मखाने के, यानी फॉक्सनट के, एज पर वोल्या डाटा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि आपको एचएस कोड क्या होगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करेंगे एचएस कोड भी तो लगेगा ना, तो 19 नंबर चैप्टर में आता है और 04 इसका सब चैप्टर है। इसका एचएस कोड हो जाएगा यानी 19190410 90, इसको तो आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं हाउ टू एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट के प्रोसेस की बात करूं तो उसमें पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना रहता है, फिर बायर को फाइंड करना रहता है। बायर को फाइंड करने के लिए टोटल 15 मेथड्स ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं, वो सारे आप यहां इंप्लीमेंट कर दीजिए। अगर वो भी आपको लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है, मेहनत ज्यादा लग रही है, आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, या फिर उतना समय आपके पास में नहीं है, तो आप वोल्या का डाटा ले सकते हैं। और अगर वोल्या का डाटा भी आपको महंगा लगता है तो आप हमसे कंसल्ट करिए कि कैसे आपको सस्ता मिलेगा। फिर बायर को आपको वेरीफाई करना रहता है, इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, वो जो ट्रिक्स आपको सिखा रखी ट्रेनिंग में वो सारी आप यहां इंप्लीमेंट कर दीजिए। फिर बायर को आपको कन्विंस करना रहता है, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू जेंटलमैन, आपका प्राइस बहुत अच्छा है, आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप लोगों से रिलेशन अच्छे बना लेते हैं, लोगों से बात अच्छी कर लेते हैं, तो ऐसा वो यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, तो वो जो यूएसपी आपका रेडी कराते ट्रेनिंग में वो सारा आप यहां इंप्लीमेंट कर दीजिए। और पेमेंट इसमें मिलती एडवांस, वो भी 100%, और जब पेमेंट मिल जाए फिर उसका कर दीजिए बीआरसी, जो कि आजकल होता है ईबीआरसी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। अगर मैं बात करूं कि इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लगने वाली, तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे, तो खाने पीने का सामान है सर, तो इसमें तो अपेडा ही लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जी अथॉरिटी, एक बड़ी अथॉरिटी है जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट मात्र 5900 रुपए देके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करता हूं वो टॉप 5 कंट्री कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। उससे पहले बता दूं कि आपने सोशल मीडिया पे अगर हमें फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, तो आप इस पे जरूर फॉलो कर लीजिए, और हैशटैग कमेंट में मुझे बताइए आई हैव फॉलोड, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बोलने पे आपने जरूर फॉलो कर लिया, तो प्लीज इतना काम जरूर करिए। तो भारत की इसमें मोनोपोली है, भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, 22594 शिपमेंट्स एक्सपोर्ट किए थे लास्ट ईयर एज पर वोल्या डाटा, फॉक्सनट के मखाने के। चाइना ने 204 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए, कहां, एकदम बिल्कुल नीचे है ही नहीं चाइना के पास। नेपाल ने 69 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए, पाकिस्तान ने 62 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए, सिंगापुर ने 57 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए, है तो भारत के पास ही है, जिसको भी चाहिए कहां से लेना है, भारत से लेना है, तो फिर कहाँ जाना है, भारत में जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट करके पैसा कमाना चाहता है, जो लो बजट में कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद करिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? Then you can join our practical training for export import. Training को join करने के लिए आप हमारी website visit कर सकते हैं www.rsglobalexport.in, और you can call us on 8882357058 और 9014582523. What are you waiting for? Call now.